हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर डूइंग फीचर इंजीनियरिंग और अब हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे अगले तीन चार वीडियोस में, दैट इज आउटलायर डिटेक्शन एंड रिमूवल। आई होप आपको आउटलायर के बारे में पता है, आउटलायर्स क्या होते हैं और किस तरीके से मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, इट्स ओके, हम अगले तीन से चार वीडियोस में सब कुछ पढ़ेंगे आउटलायर्स के बारे में। आउटलायर्स क्या होते हैं, डेटा में क्यों आउटलायर्स आ जाते हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है और उनको कैसे रिमूव करना है, ये सब कुछ हम लोग अगले तीन से चार वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है, इसमें हमारा पूरा एंड गोल इज टू लर्न अबाउट आउटलायर्स। आउटलायर के बारे में क्विक इंट्रोडक्शन, किस तरह के सिनेरियोज में आपको परेशान कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनको हटा सकते हैं, इनका एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर आउटलायर्स, मतलब आई गेस आपने सुना होगा। व्हेनेवर आई टेक अ क्लास, मैं हमेशा बच्चों को एक एनालॉजी के थ्रू बताना चाहता हूँ। शर्मा जी का बेटा, इट्स बेसिकली दैट गाय इन योर क्लास जो 99 मार्क्स आने पे भी रो रहा होता है, जबकि पूरे क्लास के पास होने के लाले पड़े होते हैं, वो बंदा ही आउटलायर है। सो इन सिंपलर वर्ड्स, एक ऐसा डेटा पॉइंट या एक ऐसा ऑब्जर्वेशन जो बाकी के सारे डेटा पॉइंट से बहुत अलग बिहेव करता है। और सोच के देखो ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हो और आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, तो आपका मशीन लर्निंग मॉडल उन आउटलायर्स से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब बहुत सिंपल है ना यार, एक क्लास में सभी लोग बैठे हैं और हमने सोचा कि लेट्स फाइंड आउट सभी लोगों का सैलरी कितना है। सभी लोगों का सैलरी है 20,000, 30,000, 40,000 और उस क्लास में आके बिल गेट्स बैठ गया या इलॉन मस्क बैठ गया। नाउ इमेजिन उस क्लास का मीन सैलरी कितना होगा, करोड़ों में, शायद उससे भी ज्यादा। बट क्या वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है आपके डेटा का? नहीं। सो यू कैन सी कितना सिंपली आउटलायर्स आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम को खराब कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई मशीन लर्निंग में आउटलायर्स को बहुत ध्यान से ट्रीट किया जाता है, उसे हटाया जाता है या उसे इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरीके से आउटलायर आपके मशीन लर्निंग मॉडल के लिए प्रॉब्लमैटिक है। सो लेट्स से हमारे पास एक डेटा है जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है कि स्टूडेंट्स ने पूरे सेमेस्टर कितने घंटे पढ़ाई की और उनके कितने मार्क्स आए। लेट्स से सिंपल सा एक रिग्रेशन टास्क है ये, और हमने नोटिस किया डेटा कलेक्ट करने के बाद कि जो हमारा आउटकम है, मतलब जो हमारा डेटा है, वो काइंड ऑफ लीनियर है। यहाँ पे आवर्स है, यहाँ पे मार्क्स है। सो यू कैन सी कि एक लीनियर ट्रेंड है हमारे डेटा में कि जितना ज्यादा घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो उतना ज्यादा आपके मार्क्स आ रहे हैं। बट फिर हमने रियलाइज किया कि हमारे डेटा में एक दो मार्क्स, मतलब एक दो स्टूडेंट्स यहाँ पर है, मतलब इन लोगों ने बहुत कम पढ़ाई किया बट इनके मार्क्स बहुत ज्यादा आ गए। बेसिकली आइंस्टाइन के बच्चे जो भी है मतलब है, ऐसे लोग होते हैं कि बहुत कम पढ़ते हैं और ज्यादा मार्क्स लाते हैं और हमारी जलाते हैं। बट इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि लेट्स से अगर आप एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल फिट कर रहे होते इसके ऊपर, तो वो जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल होता विदाउट आउटलायर्स कुछ ऐसा होता, राइट? बट जस्ट बिकॉज आपके डेटा में आउटलायर्स है, देयर इज अ ग्रेट चांस कि आपका मॉडल कुछ ऐसा हो जाए, राइट? अब ऑब्वियसली ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपके डेटा का। ये दो आउटलायर्स आपके इस लाइन को अपनी तरफ खींच रहे हैं क्योंकि लीनियर रिग्रेशन ऐसे ही काम करता है, राइट? बट होना चाहिए था ये लाइन। तो यू कैन क्लियरली सी कि आपका मॉडल फेल कर गया। अब जब नया टेस्ट डेटा आएगा कुछ यहाँ पे होगा, वो लीनियर मॉडल जो आपका है वो खराब परफॉर्म करेगा जस्ट बिकॉज आपने उसको जब ट्रेन किया था वहां पे डेटा में आउटलायर्स थे। तो आउटलायर्स आर क्वाइट डेंजरस। सबसे खराब बात यह है कि छुपे हुए होते हैं, दिखते नहीं है, बट आपका लाइफ खराब, मतलब मुश्किल कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे। ठीक है, तो अब एक चीज और है आउटलायर्स के बारे में कि आउटलायर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते। मतलब आउटलायर्स डेंजरस हैं या डेंजरस नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये पता चलना चाहिए कि कब आउटलायर डेंजरस है और उसको हटाना पड़ेगा, और कब वो डेंजरस नहीं है और वो डेटा का पार्ट है और उसको रखना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेट्स डिस्कस कि कब आपको आउटलायर्स को हटा ही देना चाहिए। You should not think of keeping them. जैसे कि यहाँ पर अगर आप एक सिनेरियो लो कि आपके पास let's say आप एज का डेटा कलेक्ट कर रहे थे और गलती से किसी ने अपना एज 300 बता दिया,
अब ये प्योर आउटलायर है, बिकॉज किसी का एज 300 नहीं हो सकता, ह्यूमन बींग्स का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो 300 गलत है। अब उस बंदे का एज 30 है या 3 है या क्या है, मैं गेस नहीं कर सकता। बेसिकली मेरे पास कोई तरीका नहीं बचा ये पता करने का कि मैं वहां पे क्या डालूं। तो इस तरह के सिनेरियोज में आपको इन आउटलायर्स को हटा देना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है कि आउटलायर्स सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी जैसे कि एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम्स होते हैं, एनोमली डिटेक्शन एल्गोरिदम्स, राइट, जैसे कि आप पता करना चाहते हो कि क्रेडिट कार्ड में कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पे आप एक्चुअली आउटलायर्स को ही पकड़ना चाहते हो। तो अगर आप आउटलायर्स को ही हटा दोगे तो फिर कुछ गड़बड़ आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आउटलायर्स को रखना है या नहीं रखना है, ये बहुत सोचने वाली बात है, और इसमें बहुत सारा मतलब आपका दिमाग लगेगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और मतलब किस तरह से आउटलायर सिस्टम में आया, ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। कभी-कभी आउटलायर्स आपको पलट करके और थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। जैसे कि अगर हम पिछला वाला एग्जाम्पल डिस्कस करें, यहाँ पर आपको ये दो स्टूडेंट्स एक्चुअली आउटलायर्स हैं, मतलब नो डाउट दे आर आउटलायर्स, बट वो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पर आउटलायर्स को हटाना चाहते हो, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इन दोनों स्टूडेंट्स को हटा दो, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप लोगों का IQ बोल के भी एक कॉलम बनाओ और उससे भी रीडिंग लो, तो फिर शायद इनका जो आउटलायर बिहेवियर है वो जस्टिफाई हो पाए इस IQ कॉलम से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आउटलायर्स का सबसे खराब बात यह है कि आउटलायर्स के साथ क्या करना है वो बड़ा डिफिकल्ट है समझना। आउटलायर है ये पता चल जाएगा आपको, आउटलायर के साथ करना क्या है ये आपको सोचने में बहुत मेहनत लगता है। उसको रखना है, उसको हटाना है, या उसमें चेंजेस करने हैं, ये आपको बहुत ख्याल से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ आउटलायर क्या है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे, मैंने आपको क्लियरली दिखाया कि लीनियर रिग्रेशन वाला जो मेरा मॉडल था, जो कि ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे जा रहा है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस खराब होगा। तो देर आर सर्टेन सेट ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जिनके ऊपर आउटलायर्स का बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल्स हैं लीनियर रिग्रेशन, अभी मैंने आपको दिखाया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर आपका एडाबूस बोल के एक बहुत फेमस ऑनसॉम्बल टेक्निक है, इसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आउटलायर्स का, और डीप लर्निंग में भी बहुत ज्यादा आउटलायर्स गड़बड़ करते हैं। तो ये तीन चार क्लासेस ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जहां पे आउटलायर्स बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, गड़बड़ क्रिएट करते हैं। और एक कॉमन पैटर्न क्या है इन सभी एल्गोरिदम्स में कि यहाँ पे आप वेट्स कैलकुलेट करते हो। सो कभी भी अगर आपको पता करना है कि आउटलायर्स मेरे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो एक सिंपल तरीका सोचने का ये हो सकता है कि क्या आप वेट बेस्ड एल्गोरिदम पे काम कर रहे हो। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इवन एडाबूस और डीप लर्निंग में तो वेट्स कैलकुलेट होते ही हैं, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर आपका आउटलायर्स का इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर कुछ एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि ट्री बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एक्सजी बूस्ट, इन पे आउटलायर्स का उतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ये एक्चुअली आपके डेटा स्पेस को काटते हैं, लाइक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कट करते हैं आपके एक्सेस को। तो यहाँ पे एक्चुअली आउटलायर्स का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना ये लीनियर मॉडल्स और इस तरह के मॉडल्स पे पड़ता है। एनीवेज मतलब आपको अगर आपके डेटा में आउटलायर्स है तो आपको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, इट इज अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। बिकॉज आप ऐसा तो करते नहीं हो कि सिर्फ एक क्लास एल्गोरिदम लगाते हो किसी प्रॉब्लम में, आप सारे ही एल्गोरिदम्स ट्राई करते हो, तो इन दैट केस आपको आउटलायर्स को ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आउटलायर्स को ट्रीट कैसे करना है। लेट्स से आपको पता चल गया कि डेटा में आउटलायर्स हैं, तो अब क्या करना होता है प्रिसाइसली, आप दो मेन चीजें करते हो। पहला होता है ट्रिमिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज ट्रिमिंग, बेसिकली अपने आउटलायर्स हटा दो। वो दो स्टूडेंट्स आउटलायर्स थे, उन दोनों को हटा दो, आउटलायर्स को डेटा से कंप्लीटली रिमूव कर देना। अब इस अप्रोच का प्रॉब्लम ये है कि अगर बहुत ज्यादा आउटलायर्स हैं तो आपका डेटा थिन हो जाएगा, थिन हो जाने का मतलब कम हो जाएगा, और इस अप्रोच का फायदा ये है कि इट्स वेरी फास्ट, काफी फास्ट है, राइट, सोच के देखो। सेकेंड जो अप्रोच है उसको बोलते हैं कैपिंग,
कैपिंग का मतलब है कि एक बात हमेशा याद रखना, आपका आउटलायर्स हमेशा कम वाली तरफ होता है या ज्यादा वाली तरफ होता है, बीच में तो आउटलायर होगा नहीं। सैलरी का बात करो, आउटलायर कौन होगा? जो बहुत ज्यादा कमाता होगा या बहुत कम कमाता होगा। बीच में कमाने वाला आउटलायर नहीं हो सकता। मार्क्स के टर्म में बात करो, ज्यादा मार्क्स वाला आउटलायर है, कम मार्क्स वाला आउटलायर है, एवरेज मार्क्स वाला आउटलायर नहीं होता। तो आपको क्या करना होता है कि जो आउटलायर है उस पर एक लिमिट लगा दो कि इससे ऊपर सब कुछ आउटलायर, इससे नीचे सब कुछ आउटलायर, और आगे वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आप ये वाला नंबर दे दो। मान लो ये 1 है, तो आपने 1 से कम जितना भी था सबको 1 दे दिया, और इसको आपने बोल दिया 90, तो 90 से ज्यादा जितना भी था उसको आपने 90 दे दिया, तो उसको बोलते हैं कैपिंग। ठीक है, तो ये भी बहुत यूज किया जाता है, ट्रिमिंग एंड कैपिंग। और इसके अलावा एक दो टेक्निक्स और हैं जो कभी कभी यूज होती हैं, उतना ज्यादा यूज नहीं होती। फर्स्ट है मिसिंग वैल्यू की तरह ट्रीट करना, मतलब आप अपने आउटलायर को मिसिंग वैल्यू मान लो, NaN मान लो, और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करो। हमने अभी काफी डिस्कशन किया मिसिंग वैल्यूज के ऊपर, आप वो सारे टेक्निक्स लगा सकते हो, अज्यूमिंग आउटलायर्स मिसिंग है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज कि आप डिस्क्रिटाइजेशन करो। हमने ये भी पढ़ रखा है, आप डिस्क्रिटाइजेशन में क्या करते हो, आप एक न्यूमेरिकल डेटा को जैसे कि एज, उसको आप डिस्क्रिटाइज करते हो, 0 से 10, 10 से 20, 30 से 40, ऐसे करके। तो होगा क्या कि 90 से 100 का एक ब्रैकेट बन जाएगा, तो 90 वाला और 100 वाला आप उस दोनों को सेम समझ रहे हो। तो अगर 100 आउटलायर था तो अब वो 90 वाले रेंज में मर्ज हो गया, तो अब वो आउटलायर नहीं रहा। तो ये भी एक तरीका है, बट ये दोनों थोड़े कम यूज होते हैं। ये जो दो हैं, ट्रिमिंग और कैपिंग, ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो हम इस अगले 3-4 वीडियोस में विल फोकस ऑन ट्रिमिंग एंड कैपिंग। ठीक है, इन दोनों के ऊपर ही हम लोग ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यू माइट थिंक कि डेटा में आउटलायर्स हैं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो 3 मेन तरीके होते हैं पता करने के, एक्चुअली तरीके और भी हैं, बट मैं आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके बताता हूँ जिसको यूज करके आपको पता चलता है कि आपके किसी कॉलम में आउटलायर्स हैं। सबसे पहला है कि अगर आपका कॉलम जो है, जो कॉलम के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, तब तो बहुत सिंपल है। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत क्या होती है कि आपका दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो यू कैन सी कि आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर, मतलब -1 स्टैंडर्ड डेविएशन टू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 68% ऑब्जर्वेशन होते हैं। आपके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में आई गेस 95% ऑब्जर्वेशन होते हैं, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में 99% ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर है, मतलब आपका कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर मीन मीन को आप रिप्रेजेंट करते हो म्यू से, म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा इस रेंज के बाहर है, अगर मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो इन दैट केस आप उसको आउटलायर ट्रीट कर सकते हो, आप उसको आउटलायर मान सकते हो। तो ये एक बहुत फेमस टेक्निक है, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे जेड स्कोर बेस्ड ट्रीटमेंट, वहां पे आप देखोगे कि हम एग्जैक्टली इस तरीके से आउटलायर्स खोज रहे हैं और फिर उनके ऊपर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है व्हेन योर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या क्लोज टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब या तो परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर आप मतलब थोड़ा सा मतलब इधर उधर प्लस माइनस है तो चलेगा। ठीक है, सेकेंड तरीका है कि अगर मान लो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डेटा में, और आपका डेटा थोड़ा स्क्यूड है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, या फिर समथिंग लाइक दिस, डेटा स्क्यूड है, राइट या लेफ्ट स्क्यूड है, उस केस में आप इंटर क्वार्टाइल प्रॉक्सिमिटी रूल यूज करते हो। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, आप बेसिकली बॉक्स प्लॉट प्लॉट करते हो, और बॉक्स प्लॉट में आप ये फॉर्मूला यूज करते हो मिनिमम वैल्यू का, और ये होता है मैक्सिमम वैल्यू का। ठीक है, यहाँ पे Q3 क्या है 75% और Q1 क्या है 25th percentile, तो आपका मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR। IQR क्या होता है, ये इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, अगर कोई भी नंबर इससे छोटा है तो वो आउटलायर है, और कोई भी नंबर अगर Q3 प्लस 1.5 IQR से बड़ा है तो आप उसको भी आउटलायर
ट्रीट कर सकते हो। ये भी एक तरीका बहुत फेमस है और ये आप तब यूज करते हो जब आपके पास स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, एक लास्ट तरीका और जो आप कभी कभी यूज करते हो, दैट इज परसेंटाइल बेस्ड अप्रोच। तो आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप उसके ऊपर ये वाला अप्रोच लगा सकते हो कि अगर आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो 97th या कई केसेस में 99% भी होता है, अगर वो 99% के बाहर है तो वो आउटलायर है, और अगर 5% के नीचे है, जैसे यहाँ पे 2.5 दिया हुआ है, ये अपने ऊपर है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस प्रॉब्लम। सो 2.5 के पहले है या 5 के पहले है तो आप उसको अगेन आउटलायर ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट तरीके आपको मोस्टली दिखाई देंगे जब भी आप इस टॉपिक पे पढ़ाई करोगे। इसके अलावा भी कुछ टेक्निक्स हैं बट वो अभी हमारे कोर्स के स्कोप के बाहर है। ठीक है, नाउ हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करने वाले हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। हम लोग तीन, एक्चुअली हम लोग चार टेक्निक्स यूज करेंगे इस पूरी चीज के लिए। हम लोग एक पढ़ेंगे जेड स्कोर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो हमने पहला वाला पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला। फिर हम पढ़ेंगे IQR बेस्ड फिल्टरिंग, जो हमने दूसरा वाला पढ़ा बॉक्स प्लॉट वाला। उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटाइल वाला, जो हमने अभी थर्ड देखा, और लास्ट में हम एक स्पेशल टेक्निक डिस्कस करेंगे विंसराइजेशन। ठीक है, ये भी बहुत फेमस है और ये भी हम लोग पढ़ेंगे। सो टोटल मिला के वी आर गोइंग टू डू 4 वीडियोस इस वीडियो के बाद ऑन ईच ऑफ दीज टेक्निक्स। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको एक थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया कि आउटलायर्स क्या होते हैं, और अब एक एक करके हम सारे टेक्निक्स पढ़ के सीखेंगे कि आउटलायर्स को कैसे हैंडल करना होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।